देखिए, अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस यानी कि IIBF एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको IIBF का सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, एक बार में आपको एग्जाम पास करना है, दूसरी बार सेंटर पे नहीं जाना, उस केस में आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो में जो आपको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप उन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो, रट लेते हो, समझ लेते हो, तो मेरी गारंटी है आप एक बार में पास हो जाओगे, एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाओगे। यहाँ पर देखिए जो टोटल क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड नीचे करता हूँ इस पेज को। यहाँ पर देखिए जो टोटल क्वेश्चन है वो है आपके 100, ठीक है। सभी जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैं आपको इस वीडियो में 100 के 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। दरअसल बात यह है कि मैंने बनाए थे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो, तो मैंने 100 क्वेश्चन को इन पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे कि जो पार्ट 1 था उसमें 30 क्वेश्चन मैंने बनाए थे, जो पार्ट 2 था उसमें बनाए थे मैंने 30 क्वेश्चन, और जो पार्ट 3 था उसमें बनाए थे मैंने 40 क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये है पार्ट 3, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है। यहाँ पर हम 60 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है और आपको देखना है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको 100 के 100 क्वेश्चन की PDF चाहिए, PDF डाउनलोड करना चाहते हो PDF, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो 100 के 100 क्वेश्चन एक ही सिंगल PDF में, ठीक है। चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट और हम आते हैं अपने 60वें क्वेश्चन पर। बाकी जो क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए थे आप जाकर पढ़ सकते हो। ये देखिए, रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है। रुपे डेबिट कार्ड, आपने डेबिट कार्ड देखा होगा, ATM कार्ड देखा होगा अपना, तो वहां पर लिखा होता है ना वीजा रुपे, देखा होता है। तो रुपे का मतलब क्या है, तो रुपे का मतलब है कि वो इंडिया का कार्ड है, इंडिया का कार्ड है वो, और ATM का काम भी करेगा, हर हर उसमें हर ATM में काम करेगा वो। और इसके अलावा POS मशीन होती है जहाँ पर आप दुकान पर जाकर पैसा निकालते हो, ATM स्वैप करके, या फिर तेल डलवाते हो, तो वहां पर भी वो काम करेगा, ठीक है। सारी विशेषताएं वाले इसकी, इसका आंसर है उपरोक्त सभी। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने किसी बैंक में 1 साल के लिए 10,000 रुपये जमा किए, ठीक है, वहां पर जो ब्याज था वो था 10% पर ईयर का, 1 साल में आपको 10% मिलेगा, तो साल के एंड में आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, तो इसका आंसर होगा देखिए 11,000 रुपये। यह है 11,000 रुपये, क्योंकि 10,000 रुपये आपका मूल हो गया, प्लस में 10% के हिसाब से अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको 1,000 रुपये, तो टोटल हो जाएंगे आपके 10,000 11,000 रुपये, ठीक है, 10% के हिसाब से। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कि बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में यानी कि बैंक क्या क्या काम करता है, क्या क्या सर्विस देता है, उसको लेकर आपको बताना है कि निम्न नीचे दिए गए बातों में से कौन सी बात सत्य है, ठीक है। तो क्या बैंक वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के काम करता है, तो बिल्कुल करता है। फसल ऋण, फसल पर लोन देता है, तो देता है बिल्कुल। या फिर किसान क्रेडिट कार्ड देता है, इसकी सुविधा देता है, तो देता है बिल्कुल, आपने सुना होगा, तो सब कुछ काम करता है बैंक, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए APY क्या है, तो APY का मतलब है फुल फॉर्म बोल रहे, तो इसका फुल फॉर्म है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना है APY की फुल फॉर्म, आप याद कर लेना, APY की है अटल पेंशन योजना। आसान है पर भूल जाओगे इसलिए बता रहा हूँ मैं, आसान क्वेश्चन ही आएंगे आपके, ये 12th बेस पर होता है एग्जाम, तो इतना मुश्किल नहीं होता है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। ये देखिए, चालू खाते और बचत खाते डैश के नाम से भी जाने जाते हैं। चालू का मतलब पता है आपको, करंट अकाउंट, और बचत का मतलब पता है सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं मांग और जमा, मांग खाता कहते हैं चालू वाले को, करंट अकाउंट को, और जमा अकाउंट कहते हैं, जमा खाता कहते हैं बचत खाते को, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, आप इसको याद रख लेना अपने हिसाब से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए, निम्न में से कौन सा क्वेरी सर्विस आधार मैपर का एक उपयोग है, मतलब जो ये चीज़ है ना QSAM, इसका काम क्या होता है ये पूछा जा रहा है। QSAM का काम क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट को आपके आधार कार्ड से जोड़ना, ठीक है, उसका स्टेटस वगैरह दिखाना, मतलब आप आधार कार्ड से पैसा निकालोगे तो वहां पर भी ये काम आएगा, ठीक है। टोटल मिला के ये आपस में लिंक रखता है किसको, आधार कार्ड को और बैंक अकाउंट को, तो आप इससे क्या कर सकते हो, बैंक से आधार शेडिंग की स्थिति में
आप उसका बैलेंस चेक कर सकते हो, स्थिति जान सकते हो, स्टेटस जान सकते हो का जो आधार कार्ड है वो लिंक है कि नहीं है, ठीक है। तो वो ही काम करता है कौन सा, QSAM। तो आप देख लेना यहाँ पर QSAM लिखाओ, उसका आंसर लिख देना बैंक से आधार सीडिंग की स्थिति जानता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ए ने 12,000 रुपये की राशि स्वीकृत की, ठीक है, और वितरित की 1/4/2021 को। यह अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज लेता है। ऋण लेने के लिए आधी आधे साल के दौरान एक भी पैसा नहीं चुकाया गया, राशि खाते में डैश को वसूल जाने का ब्याज होगा। तो इसका आंसर होगा 720 रुपये, ठीक है, 720 रुपये आंसर होगा। आपसे भी इसको रट लो ऐसे ही, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर ये होगा, ठीक है। अर्धवार्षिक है तो ये 6% लगा दिया, यहाँ दिखा देखिए अर्धवार्षिक लिखा था तो यहाँ पर 6% लगा दिया, तो 12 का 6% हो जाएगा आपका 720 रुपये। अगर यहाँ पर 10,000 रुपये लिखा आएगा आपके क्वेश्चन में तो 10,000 का 6% हो जाएगा आपका 600 रुपये, ठीक है। उस हिसाब से निकाल लेना इसका आंसर, अर्धवार्षिक बोला है तो 6% कर लेना सिंपल है, ठीक है, अगर कोई परसेंटेज नहीं दिया है तो। एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि भैया एक एक आदमी है, कोई व्यक्ति है, उसका क्या है, उसकी स्थिति खराब है, उसकी स्थिति जो खराब है वो बैंक में जा नहीं सकता, बैंक में जा नहीं सकता, ना ही वो चेक पर या फिर अंगूठे चेक पर फॉर्म भर चेक पर साइन कर सकता है, या फिर फॉर्म में अंगूठा लगा सकता है, या फिर साइन कर सकता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो अपाहिज टाइप का हो गया या कोई दिक्कत हो गई है, तो उस केस में पैसा कैसे निकलेगा उसका, ठीक है। ऐसा हो जाता है ना भाई, आपका एक्सीडेंट हो गया मान लो, तो एक्सीडेंट में मान लो आप कहीं जा भी नहीं सकते, पर आपको पैसे की जरूरत भी है, और आपके हाथ में चोट लगी है तो आप साइन भी नहीं कर सकते, ना आप अंगूठा लगा सकते हो, उस केस में बैंक से पैसा कैसे निकलेगा। उस केस में क्या होता है, वहां पर गारंटर चाहिए होते हैं, एक गारंटर तो बैंक वाला खुद बनता है, दूसरा गारंटर आप पड़ोसी को ले सकते हो किसी को, कि भैया मेरी गारंटी दे दे, ठीक है, जो गारंटी देगा उसका अकाउंट भी उस बैंक में होना ठीक है चाहिए। दोस्तों। तो इस तरीके से आप पैसा निकाल सकते हो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप देख लो ना, दो स्वतंत्र गवाहों में से एक बैंक का अधिकारी भी होना चाहिए। POS क्या है, POS क्या है, बिक्री केंद्र है, बिक्री केंद्र है, पॉइंट ऑफ सेल है, POS पॉइंट ऑफ सेल बिक्री केंद्र है, ठीक है, आप उसको ऐसे कैसे रट लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, बैंकों को अधिक अंतिम उपाय के ऋणदाता का अर्थ है, बैंकों को अंतिम उपाय के ऋणदाता का अर्थ है, रेपो के माध्यम से अस्थायी आधार पर बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिनिधि सहायता देना। देखिए, बैंकों को आर्थिक आधार पर कौन देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो उनको लोन देता है उसको कहते हैं अंतिम उपाय के ऋणदाता, यानी कि बैंक कर्जा किससे ले सकता है, कर्जा ले सकता है वो बिल्कुल RBI से ले सकता है, और उसे कहते हैं अंतिम उपाय के ऋणदाता। तो आप देख रहे हो जहां पर भी भारतीय रिजर्व बैंक आए वहां पर आप इस पर टिक मार देना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए है 71वां क्वेश्चन। यहाँ पर बैंक ग्राहक डैश में शामिल नहीं है, मतलब बैंक ग्राहक किसको नहीं माना जाएगा, ठीक है, बैंक के लिए ग्राहक कौन नहीं है। तो इसका आंसर होगा कोई भी व्यक्ति जो अपना खाता खोलने के इरादे से बैंक में आने का इरादा रखता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अपना खाता के माध्यम से बैंक में आने का इरादा रखता है वो ग्राहक शामिल नहीं है। बैंक के साथ लेन देन कर रहा हो, मतलब जो अकाउंट खुल चुका हो उसका, वो ग्राहक का बैंक का, एक व्यक्तिगत उधारक को उधारकर्ता हो कोई भी हो, वो बैंक में जमा खाता रखने वाला कोई भी कानूनी का ही, मतलब कोई बंदा अगर जा रहा है बैंक में सिर्फ इस इरादे से कि मैं बैंक में अकाउंट खोलूंगा, अभी अकाउंट खोला नहीं है, तो उस केस में बैंक वो मतलब बैंक के लिए ग्राहक नहीं है, ग्राहक सिर्फ तभी बनेंगे आप जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद आपको कोई सुविधा मिलेगी बैंक की तरफ से, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंकिंग प्रणाली में बीसी का अर्थ क्या है, बीसी का अर्थ होता है व्यापार संवाददाता, व्यापार संवाददाता इसे कहते हैं बीसी, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक द्वारा उठाया गया एक सही कदम है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं को अपना ऋण चुकाने में मदद करता है, ठीक, वो क्या चीज़ है, वो है मौजूदा ऋण का पुनः निर्धारण, मतलब कि अगर आपने लोन लिया था और किसी प्राकृतिक आपदा के कारण आपने जो भी काम स्टार्ट किया था वो काम ठप हो गया या फिर बंद हो गया, जल गया, कुछ भी दिक्कत आ गई प्राकृतिक आपदा के कारण, भूकंप वगैरह आ गया, कुछ भी आ गया, तो
उस केस में जो लोन है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, द्वारा पुनः निर्धारण कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने 2 महीने पहले लोन लिया था और कलेशबाजी कुछ हो गया, भूकंप वगैरह कुछ आ गया, अब बाढ़ आ गई, कुछ ऐसा बात हो गई कि आपका पैसा डूब गया जो भी है और आप कमाई नहीं कर पा रहे, तो उस केस में जो 2 महीने बाद है यानी कि जब से दिक्कत हुई है तब से आपका जो लोन है तब से स्टार्ट हो सकता है। जो पीछे के जो आपने महीने रह गए हैं उसका ब्याज नहीं भरोगे तो भी चलेगा, सेटलमेंट टाइप का वहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कि निम्नलिखित में से कौन सा सही शिकायतों को संभालना नहीं है, सही शिकायत में से कौन सी नहीं है, तो इसकी आंसर है इसका मुद्दे में भावात्मक रूप से शामिल होने से। भावात्मक यानी कि कोई बूढ़ा है तो आपका दिल बहुत उसमें उसके लिए दया भावना से आ रहा है और उसके आप उस काम में लग गए और आप उसकी शिकायतों को पहले सुन रहे हो, आपको लग रहा है मतलब भाव में बह गए आप, तो वो चीज़ शिकायतों में शामिल नहीं होगा। ठीक है, शिकायतों में शामिल होने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि कोई भी बंदा हो आपसे आपको सिर्फ उसकी शिकायत से मतलब है कि शिकायत क्या किया उसने और आपको काम करना है। ठीक है, भाव में आपको नहीं बहना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ठीक है, PMJDY की अधिकतम अवधि अनुमति क्या है, तो इसका आंसर है 36 महीने। प्रधानमंत्री जनधन योजना की अधिकतम अवधि क्या है, 36 महीने है। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भुगतान बैंक किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकता है लेकिन प्रति ग्राहक 1,00,000 रुपये तक के अधिक नहीं हो सकता। पेमेंट बैंक का मतलब समझ लीजिए, आप जो ये चल रहे ना आजकल गूगल पे वगैरह जो चीज़ होती है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ले सकते हो वगैरह, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। किसी भी प्रकार की जमा राशि स्वीकार कर सकता है, पैसे जमा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं कर सकता। ठीक है, यह पेमेंट बैंक का जो रूल है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावधि जमा को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इसे कहते हैं टर्म डिपॉजिट। सावधि का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट होता है, उसे कहते हैं टर्म डिपॉजिट, यानी कि कुछ सालों के लिए आप पैसा जमा कर रहे हो उसे कहते हैं टर्म डिपॉजिट। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, वह कीमत जो एक बैंक से लिया गया कोई ऋण के लिए चुकाता है, यानी कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप जो बैंक को दोगे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम EMI, देखिए ब्याज, सॉरी उसे कहते हैं ब्याज। वह कीमत मतलब वो कमीशन जो आपने बैंक से लोन लेने के बदले में चुकाओगे उसे कहते हैं ब्याज। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह RBI गाइडलाइंस के अनुसार बैंक को अपनी संपत्ति या ऋण को निम्नलिखित 4 श्रेणी में से किस श्रेणी में वर्गीकृत करनी चाहिए। बैंक को जो बैंक है वो अपनी संपत्तियां और ऋण को किस श्रेणी में डालेगा RBI की गाइडलाइंस के अनुसार, इसका आंसर है मानक संदिग्ध एंड निष्पादित हानि ये वाला। ठीक है, इसमें डालेगा वो मानक संदिग्ध एंड गैर निष्पादित हानि में डालेगा। कौन? बैंक डालेगा अपनी संपत्ति को और ऋण को किसमें? RBI के गाइडलाइंस के अनुसार, और 4 श्रेणियां है। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि RBI के अनुसार बैंक अपनी संपत्ति या ऋण को कितनी श्रेणियों में बांटता है, उसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन निकल जाएंगे यहाँ पर, देख लेना आप। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बैंक अपनी जो संपत्ति को श्रेणी में बांट रहा है वो किसकी गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रहा है, तो वो है RBI। ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन निकलेंगे क्वेश्चन में से और आपको ये चीज़ समझनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, यह PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर है 2014 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी के लिए एक ऐप है, डैश सिस्टम और डैश पहचान का प्रयोग करके भुगतान लेन देन करती है। भीम ऐप आपने सुनी होगी, भीम ऐप जो है
पैसे ट्रांसफर करते हैं, भीम ऐप आपने सुनी होगी, तो वो क्या करता है, तो वो यूपीआई करता है, यूपीआई और भुगतान पता, ठीक है, यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम है और भुगतान भुगतान पता की पहचान करके वो भुगतान कर लेता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। DBTL योजना के तहत प्रमुख एजेंसियों में डैश एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया में शामिल है। DBTL के तहत इसका आंसर है LPG वितरक है जो वो DBTL योजना के तहत प्रमुख एजेंसियों में से LPG वितरक एक प्रक्रिया में शामिल है। इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। DBTL आए तो LPG वितरक कर देना आप, जहाँ पर DBTL लिखा हो वहाँ पर LPG वितरक कर देना, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मैं आराम से बता रहा हूँ आपको, आप वीडियो को डबल कर लेना, थोड़ा तेज हो जाएगा अपने आप ही। ये देखिए, लघु वित्त बैंकों को कम से कम ऋण का 50% प्रदान करना आवश्यक है, जिसका राशि प्राप्त उधारकर्ता कितना है 25 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। 25 लाख रुपए से अधिक मतलब कि देखिए, अगर जो राशि प्राप्त उधारकर्ता है, जो ऋण लेने वाला है, 25 लाख रुपए से कम का ले रहा है, वो 25 लाख रुपए तक है, 25 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में कम से कम 50% देना पड़ेगा। लघु बैंक है तो, अगर छोटा बैंक है तो उसको भी 50% तो देना पड़ेगा। यदि बैंकर और ग्राहक के बीच लेन देन के प्रकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के संबंध में हो सकता है, निम्नलिखित ग्राहक संबंध में से किसका परिणाम बैंकर में नहीं होता, तो इसका आंसर होगा बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, ये वाला, बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना। ये देखिए, बीमा की जो कीमत है वो क्या कहलाती है, बीमा की जो कीमत है वो कहलाती है अधिमूल्य, अधिमूल्य होती है बीमा की कीमत, ठीक है, बीमा की कीमत क्या कहलाती है, अधिमूल्य कहलाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, PMJDY डैश के कवरेज पर केंद्रित होता है, सभी को ये कवर करता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। देखिए, अगर आपको सब्सिडी लेनी है बैंक, जैसे कि आपने सिलेंडर लिया, सिलेंडर की सब्सिडी आपको लेनी है, वैसे अब मिल नहीं रही अभी, पर अगर मिलती है तो सब्सिडी आप किस में लोगे, तो सब्सिडी लेने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सब्सिडी लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, सरकार की तरफ से अगर कोई पैसा आता है, जैसे कि श्रमिक कार्ड का पैसा आता है, किसान का पैसा आता है, तो उन सभी के पैसे लेने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी होता है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर RTGS जो करते हैं हम, के माध्यम से कम कितनी राशि आप कर सकते हो, कम से कम 2 लाख रुपए तक, सॉरी हाँ 2 लाख रुपए तक ही कर सकते हो, न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है, के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए है RTGS के माध्यम से, ठीक है। हमें ख्याल से लेखांकन चक्र में सबसे पहले कौन आता है, लेखांकन चक्र में सबसे पहले कौन आएगा, सहायक पुस्तकों में रिकॉर्ड रखना, सबसे पहले आपको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपका जो लेखांकन है वो चालू होगा, ठीक है। सबसे पहले आप एंट्री करोगे ना, कोई आया उसमें कितने सामान लिया है, कितने पैसे दिए हैं, उसकी एंट्री करोगे, तो वो होगा आपका सहायक पुस्तकों में रिकॉर्ड करना। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे पहले रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर है कोलकाता, पहले कोलकाता में किया गया था, फिर मुंबई में हो गया, ठीक है। अब तो मुंबई में है, अब तो पहले कहाँ था, पहले कोलकाता में था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, पहले, तो इसका आंसर आएगा कोलकाता। आय और व्यय अकाउंट आय विवरण का एक हिस्सा है, जो फर्म की वार्षिक आय या व्यय को सकल या शुद्ध लाभ या फिर नहीं के संदर्भ में दिखाता है, निर्धारित करता है, ठीक है। जो कथन 2 है वो क्या है, बैलेंस शीट उनके उपयोगकर्ताओं में स्टेटस देयता संबंधी जानकारी प्रदान करके फर्म की सटीक वित्तीय स्थिति का पता लगाने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 गलत है, फिर कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, आप कथन 2 सही है। और जो बैलेंस शीट होती है वो उपयोगकर्ता के स्टेटस दिखाती है, और देयता यानी कि देनदार कितने हैं उस सबको दिखाती है, वो सटीक जानकारी देती है आपकी बैलेंस शीट, ठीक है।
चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो निकलता है, यह डैश अकाउंट का नियम है। नंबर डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये किसका नियम है? तो ये नियम है हमारा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट होते हैं उनका नियम है डेबिट जो आता है और क्रेडिट जो निकलता है, जो जाता है। देखिए बैंकिंग में IBA का पूर्ण रूप क्या है? IBA क्या होता है? IBA होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, होता है IBA, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए भारत दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित हैं? तो ये होगी हमारी अपहरण, प्रलोभन, जबरन वसूली, दास्ता और जबरन वसूली, ठीक है, 369 से लेकर 374 तक की, ठीक है दोस्तों। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रशासनिक प्रावधानों के अनुसार कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा चीज गलत है? तो इसका आंसर है निर्धस्तीकरण एंड एव एक अनुबंध के तहत निर्वहन का स्पष्टीकरण करना। भारतीय देख लेना कौन सा आंसर है इसका, इस पर आप टिक मार देना, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालू जमा खाते के हकदार नहीं होते, चालू जमा खाते के हकदार नहीं होते ब्याज के। अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया है तो करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता, ठीक है, करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता आपको। बैंक इनमें से कौन सा लोन प्रदान नहीं करता? तो यहाँ पर बैंक देखिए ड्रिंकिंग एंड गेमिंग, मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था पहले पार्ट में कि अगर कोई भी उल्टा काम हो रहा है, कोई भी गलत काम हो रहा है, कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, तो उस केस में बैंक लोन नहीं देता, ठीक है। तो आप देख लेना ऑप्शन के हिसाब से अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन कोड बोलते हैं ना, पिन कोड क्या है, पिन नंबर क्या है, तो उसका पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका आंसर रहेगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए गलत, थोड़ा गलत हो गया, ये नहीं है, इसका आंसर ये है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। इसको मैं सही कर दूंगा अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए NEFT की शुरुआत कहाँ कब NEFT की शुरुआत कब की गई थी? तो NEFT की शुरुआत की गई थी 2005 में शुरुआत की गई थी NEFT की, ठीक है, NEFT जो आप पैसे भेजते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निगरानी चरण के कितने स्तर होते हैं? तो इसके तीन स्तर होते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निगरानी स्तर के तीन होते हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कितने स्तंभों पर आधारित होती है? छः स्तंभ होते हैं और तीन क्या था? तीन दिखाया था, क्या है आपका एक बार अभी क्या था हमने, तीन होता है हमारे चरण, तीन चरण होते हैं और छः स्तंभ होते हैं। अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बोले नेक्स्ट भी है लास्ट भी है। बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे डैश से को जमा राशियों स्वीकार करना और धन उधार देना होता है, इसका है समाज एवं जनता के सभी सदस्यों के लिए होती है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 40-60 से लेकर 100 क्वेश्चन तक पूरे करा दिए, पार्ट 3 था ये। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, बाकी के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना यार, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मैंने सही वीडियो बनाई है।